हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी जो है बच्चों का सुपर फेवरेट, ये वेज पिज्जा। कितना चीजी बना है देख रहे हैं आप, और मैंने बनाया है बिल्कुल जंबो साइज का पिज्जा। तो एक बार आप इसे बना लेंगे ना तो सारे फैमिली मेंबर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। रेसिपी सुपर सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। ले लीजिए एक बड़ा बोल, और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले गुनगुना पानी। तो करीब आधा कप गुनगुना पानी मैं डाल रही हूँ, और पानी अगर थोड़ा ज्यादा गर्म होता है ऐसे घुमा लीजिए, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मगर उंगली डालकर चेक जरूर से कर लीजिएगा कि बिल्कुल ठंडा भी ना हो जाए, हल्का गुनगुना रहना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे ईस्ट। तो मेरे पास ये इंस्टेंट ईस्ट है, मैं वही यूज कर रही हूँ। आपके पास ड्राई हो वो आप यूज कर लीजिए, और अगर आपके पास मेजरिंग स्पून ना हो तो देखिए मैंने इस चार के चम्मच से भी आपको दिखा दिया कि इतना ही होता है। तो दो छोटे चम्मच ड्राई ईस्ट हमें यूज करना है। अब हम इसमें डालेंगे दो छोटे चम्मच ही शुगर। तो ईस्ट को ब्लूम करने के लिए शुगर और गुनगुना पानी चाहिए होता है। तो इतना मिक्स करके अच्छे से हम इसे छोड़ देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में जो ईस्ट है ना, ये बिल्कुल अच्छे से ब्लूम कर जाएगा, आपको ऊपर से एक फोमी फोमी सा टेक्सचर दिखने लग जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ 10 मिनट में आपको, ये देखिए हल्का सा फोमी सा लग रहा है ना, तो इसका मतलब ईस्ट बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी की चीजें। करीब डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है ये, ऑयल की हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं अभी एक बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। एक छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, मिक्स कर लीजिए। अब मैं डालूंगी इसमें दो कप मैदा। तो देखिए मेरे पास मेजरिंग स्पून है, तो मैं मेजर करके डाल रही हूँ दो कप। मेरा एक कप जो है ना, ये करीब 250 ग्राम्स का है, तो दो कप मतलब आधा किलो मैदा हो गई समझ लीजिए आप। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो स्पैचुला है इससे तो आटा लग नहीं पाएगा, इसलिए हम स्पैचुला को हटा देंगे। और आटे को लगाने के लिए जो पानी आप यूज करेंगे ना, वो गुनगुना ही यूज करिएगा, बिल्कुल ठंडे पानी का यूज नहीं करेंगे। तो मैंने साथ में देखिए इतना तो पानी जो इसमें परफेक्ट नहीं है, आप चाहें तो दूध के साथ भी आटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुनगुना दूध ले सकते हैं पानी की जगह। और मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, और इससे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के एक थोड़ा सॉफ्ट सा डो हमें लगा लेना है। ये मैदा है तो हाथों में चिपकेगा बहुत शुरुआत में, तो इससे आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आराम से थोड़ी देर बाद आप कूदेंगे ना अच्छे से, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा आटा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। आप किचन के प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लीजिए, और उसके बाद हमें इस डो को थोड़ा सा गूंथना है करीब 7 से 8 मिनट के लिए। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करीब आपको घड़ी देख करके 7 से 8 मिनट तक इस आटे को जो है ना अच्छे से स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से पटक पटक के, मतलब इसके साथ बिल्कुल आपको कुश्ती लड़नी है और अच्छे से इसको गूंथना है। अब बहुत ज्यादा हाथों में चिपक रहा हो तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, बहुत ज्यादा सूखा मैदा का यूज नहीं करेंगे, डाल सकते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा छिड़क सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे कि पता चले क्वांटिटी जो है ना वो आधा किलो मैदा से और ज्यादा ही हो जाए। और देखिए मैं बार बार थोड़ा थोड़ा सा करीब आधा आधा चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ और इसे गूंद रही हूँ। आधा आधा चम्मच भी ऑयल नहीं डाल रही हूँ, करीब 4-4, 5-5 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। और इसमें आप ऑयल की जगह ना बटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा भी छिड़क लिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपक रहा था, और अच्छे से इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से हम इसे गूंदेंगे। जितना आप पटक पटक के इसको गूंदेंगे ना, आफ्टर 5 मिनट्स आप देखोगे ये आपके हाथों में उतना चिपकना बंद कर देगा, और डो को आप हैंडल कर पाओगे। शुरुआत में बहुत चिपकेगा, लेकिन जब ऐसे आप गूंदते रहोगे उसके बाद देखिएगा डो बिल्कुल हैंडल करने वाला हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये डो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाएगा। आराम से आप इसे स्ट्रेच कर पाएंगे, फोल्ड कर पाएंगे, स्ट्रेच कर पाएंगे, फोल्ड कर पाएंगे। थोड़ा सा पटकना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, क्योंकि अच्छे से जो आटे में ना ग्लूटेन आ जाना चाहिए। इस तरीके से एक देखिए स्ट्रेच आ गया ना, तो बस हमें इस स्टेज तक इसे अच्छे से गूंथ लेना है। इसमें इस पूरे प्रोसेस में करीब 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, तो समझ लीजिए 7 से 8 मिनट तक आपको इस डो को अच्छे से गूंथना है। और हमारा सॉफ्ट सा डो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अभी से हम छोड़ देंगे करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए, एक उसी बोल में रख देते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बना है डो, और ये अच्छे से राइज हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क होता है, जब गर्मियां होती हैं तो जल्दी ये राइज हो जाता है, और सर्दियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो करीब फिर भी ऑलमोस्ट आप 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए, कवर कर दीजिए, ऊपर से कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं, और कोई ऐसी कबर्ड के अंदर जहाँ थोड़ा सा इसको वार्म्थ मिले ना, ऐसी जगह पे इसको रख दीजिए किसी वार्म प्लेस पे। और आफ्टर 2 आवर्स आप देखोगे ना, ये बहुत ही बढ़िया इस तरीके का टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए तो हमारा डो बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुका है, इससे बिल्कुल आप पिज्जा बनाओगे ना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो बहुत बार हम लोग मार्केट से जो है ना खरीद कर लाते हैं पिज्जा बेस, उससे पिज्जा बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हमारा
एक सूखा सूखा सा पिज्जा बन जाता है, इससे आप बनाकर देखना, आपकी ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए अब मैं इसे बेक करूंगी इस तरीके की बेकिंग टिन में, ये मेरे पास है, और जो अवन में हमारे साथ पास मिलती है वो इस तरीके की बेकिंग टिन होती है। तो आपके पास जो भी हो उसे आप उसमें आप बना लीजिए। अगर आपके पास गोल वाली है तो आप इतने डो से दो पिज्जा बना सकते हैं गोल वाले, और मैं क्योंकि जंबो साइज का पिज्जा बना रही हूँ तो मैं इसे पूरा एक बड़ा पिज्जा बनाऊंगी, और इसे अच्छे से हम बेल लेंगे। देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे इसी साइज का बेलना है, इसलिए मैं पर्टिकुलरली चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बेल रही हूँ, नहीं तो आप किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बेल सकते हैं बहुत आराम से। ये देखिए तो मुझे रेक्टेंगल ही बेलना था इसको, तो मैंने इसलिए किचन ये बोर्ड का यूज कर लिया है। और तो हमारा ये मैंने बेल लिया है, अब इसको मैं इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। सबसे पहले इसे ग्रीस कर लेंगे, ऐसे मत लगाइएगा पिज्जा का बेस, सबसे पहले इसे थोड़ा सा ऑयल डाल करके ब्रश की हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा चारों तरफ से। इससे ना आपका जो ब्रेड है ना नीचे से सूखेगा भी नहीं, उसमें एक हल्की सी मॉइस्टनेस रहेगी, बिल्कुल जैसे सूखा सूखा सा होगा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। और इसके ऊपर हम धीरे से पूरा का पूरा जो हमने बेल करके रखा है उसको इसे प्लेस कर देंगे। साइज छोटा बड़ा होगा वो अपने आप से, क्योंकि डो बहुत ही सॉफ्ट है तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए तो अच्छे से उंगलियों से ना ऐसे एजेस बना दीजिएगा, इस तरह से एजेस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे दबा दीजिए, कहीं से मोटा पतला लग रहा है तो आप इसे बैलेंस कर लीजिए बिल्कुल। और फिर ले लीजिए एक फोक, इस तरह से आपको प्रिक करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं प्रिक करेंगे ना तो ये पूरा पिज्जा जो है ना रोटी की तरह फूल जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसे फुलाना नहीं हमें बिल्कुल। तो इस तरह से फोक से अच्छे से प्रिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर पिज्जा सॉस, तो आप चाहें तो होममेड पिज्जा सॉस ले लीजिए या फिर मार्केट वाला पिज्जा सॉस ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। पिज्जा सॉस बनाना भी बहुत आसान है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। करीब 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए बिल्कुल कोने थोड़े से। देखिए जो मैंने ऊपर की तरफ एजेस रखी थी ना उसको छोड़ दीजिएगा, और मैं उसमें लगा रही हूँ ये चीज स्लाइसेस। तो ये मेरा जम्बो पिज्जा है, इसमें करीब लग जाएंगे आपकी 6 स्लाइसेस। ये देखिए चीज स्लाइस भी जब मेल्ट होती है ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें ना आपको एक जैसे वो सॉफ्टनेस जो होती है ना चीज स्लाइस के साथ वो मिलती है, तो वही बहुत अच्छा लगता है पिज्जा में। और मेरे पास ये मोजरेला चीज है, तो खूब सारा मोजरेला हम ग्रेट कर देंगे। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन हो चेडर चीज और मोजरेला चीज का तो आप बिल्कुल वही यूज कीजिएगा। मेरे पास कॉम्बिनेशन वाला चीज नहीं था इसलिए मैंने अलग अलग सारी चीज यूज की है, लेकिन अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं कॉम्बिनेशन वाले जिसमें चेडर और मोजरेला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वही यूज कीजिएगा। सब्जियों मैंने ले ली है शिमला मिर्च, देखिए पीली भी है, हरी भी है, लाल भी है, और मेरे पास प्याज भी है, तो मैंने सारी चीजें ले ली है। अगर आपके पास जो भी हो, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास येलो बेल पेपर्स हैं, रेड है तभी आप पिज्जा बनाएं, आप नॉर्मल प्याज टमाटर हरी शिमला मिर्च के साथ बना सकते हैं, तब भी ये उतना ही यम लगता है। और इसे जैसे आपका मन करे वैसे आप अरेंज कर लीजिए, आप लंबे काटिए सब्जी के स्लाइसेस, चाहे ऐसे स्क्वायर में काट लीजिए, आपका जैसे मन करे। बच्चों की हेल्प ले लीजिए, उनके आइडियाज ले लीजिए और जैसे वो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग कर लीजिए। और मैंने थोड़े से यहाँ पर फ्रोजन कॉर्न्स यूज कर लिए हैं, कॉर्न्स भी बहुत अच्छे लगते हैं पिज्जा में। आप इसमें मशरूम्स भी यूज कर सकते हैं, मशरूम का टेस्ट ही बच्चों को बहुत पसंद आता है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चीज और डाल दिया है, जितना चीज डालेंगे उतना ही मजा आएगा। मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स थे तो मैं वो भी लगा दे रही हूँ। ये देखिए तो फटाफट से अपने पिज्जा को रेडी कर लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें, और जो साइड के जो एजेस है ना इसको हल्का सा ऑयल जरूर से लगा दीजिएगा। देखिए मैंने ब्रश में हल्का ऑयल लगा लिया है, इसे जब आप बेक करेंगे तो ये बिल्कुल सूखेगा नहीं। और चारों तरफ मैंने पूरी एजेस में अच्छे से ऑयल लगा लिया है, और मैंने अपने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। जब तक हम इसे रेडी कर रहे हैं तब तक वो उधर प्रीहीट हो जाएगा। और डाल दिया है ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से ऊपर से डाल दीजिए, और थोड़ा सा डाल देंगे ऑरिगेनो। चीज में काफी सॉल्ट होता है तो इसलिए आपको अलग से इसमें सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगे अगर तो हल्का सा सॉल्ट भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऑरिगेनो डालने के बाद में आप ये देखिए चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, तो जितने आपको चिली पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप फ्लेक्स डाल दीजिए, कम या ज्यादा। ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डाल दीजिए। और हमारा ये पिज्जा जो है ना अवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम इसे बेक करेंगे करीब 200 डिग्री सेल्सियस पे करीब 20 मिनट के लिए। तो पिज्जा हमारा बड़े साइज का है इसीलिए मैं इसे 200 डिग्री पे बेक कर रही हूँ। अगर आपका पिज्जा छोटे साइज का आपने बनाया है तो आप उसे 190 डिग्री सेल्सियस पे बेक कीजिएगा करीब 20 मिनट के लिए। और थोड़ा सा अवन टू अवन भी फर्क होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे अवन में जो है ना ये 20 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो गया था।
तो आप भी 20 मिनट्स के लिए लगा दीजिए टाइमर, और 20 मिनट्स में देखिएगा आपका पिज्ज़ा भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। छोटे साइज का पिज्ज़ा है तो टेम्परेचर कम कर लीजिएगा 190 डिग्री सेल्सियस पे। और मैं दिखाती हूँ आफ्टर 20 मिनट्स क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमारा पिज्ज़ा फूल गया है बढ़िया सा, और कितना यम लग रहा है। साइड का ब्रेड का कलर देख रहे हैं आप, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये देखिए हमारा टेस्टी पिज्जा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है, इसे जरूर से ट्राई कीजिए और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपका पिज्जा कैसा बना। आप इसे विदाउट ओवन भी बना सकते हैं, विदाउट ईस्ट भी बना सकते हैं, वो भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। और इसे कट कर लीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए। और हाँ, साथ में बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और ये देखिए लग रहा है ना कितना चीज़ी, तो मोज़रेला की वजह से जो स्ट्रेच आया है और जो हमने चीज़ स्लाइसेस डाली थी उसकी वजह से जो सॉफ्टनेस है ना पिज़्ज़ा की, कमाल है। तो एक बार आप बनाइए एंड यू विल लव इट। Thanks for watching. Bye-bye.